Hello everyone and welcome to Achieve IA. My name is Akash Vijayan और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक्जिट डील के बारे में। कल की न्यूज़पेपर में था, कल की न्यूज थी कि जिसमें ब्रेक्जिट और जो आपकी ब्रेक्जिट होने वाला है, जो इसमें ईयू और यूके के बीच में जो एक ट्रेड डील है वो फाइनली अब आपकी फाइनलाइज हो चुकी है, ठीक है, जिसको ईयू के लीडर्स ने भी काफी ज्यादा उसकी सराहना की है। ठीक है, तो उसी डील के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या है मतलब और इसमें क्या क्या चीजें दांव पर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि यूके ने जो है इस साल ईयू को लीव कर दिया है, ठीक है, इस साल 31 जनवरी को, ठीक है। लेकिन सारा जो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था ना, वो ये था कि ये जो आपकी डील है, ये जो आपका ईयू ने इसको ईयू को जो लीव किया है यूके ने, ये आपका एंड कैसे होगा, या नो डील में एंड होगा या डील में एंड होगा, ठीक है, मतलब एक डील के बीच में फाइनलाइज हो जाएगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो अब जब फाइनलाइज अब डील हो चुकी है, ठीक है, तो हमें तो यही उम्मीद है कि जो है ये डील के साथ जो है ब्रेग्जिट होगा, ठीक है, विद डील। तो द हिंदू का ये आर्टिकल है, यूके ईयू रीच पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये कल का कल की न्यूज पेपर में था ये, ठीक है। कल जिसे जिन लोगों ने हिंदू पढ़ा होगा तो फर्स्ट पेज पे देखा भी होगा, फर्स्ट पेज पे फ्रंट पेज पे जो था एक राइट साइड में कॉर्नर में दे रखा था इसको, ठीक है। तो फॉलोइंग ओवरनाइट नेगोशिएशन बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन एट यूरोपियन कमीशन हेडक्वार्टर्स, ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन स्ट्रक अ प्रोविजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो मतलब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो ब्रेक्जिट डील था, जो वो जो है अब फाइनलाइज जो है प्रोविजनल तरीके से, ठीक है, फाइनलाइज हो चुकी है, ठीक है। और कब हुआ है ये, लगभग 4.5 साल के बाद, जब यूके ने डिसाइड किया कि वो जो है फाइनली यूरोपियन यूनियन को छोड़ देगा, ठीक है। द टू साइड्स अटेम्प्टेड टू स्ट्राइक अ डील टू फाइंड द टर्म्स ऑफ देयर फ्यूचर, ठीक है। अब इन्होंने अपने फ्यूचर को ही, आपको पता है कि जब ईयू से अलग हो जाता यूके, तो उसका जो डीलिंग करने का तरीका है ईयू से, वो कहीं ना कहीं अलग हो जाता, ठीक है। ईयू में आपको पता है वो आपको 27 मेंबर्स रह चुके हैं, ठीक है। तो अभी तो अगर वो उसका पार्ट रहता तो उसका एक अलग होता, क्योंकि वो ईयू के रूल्स के अकॉर्डिंग ही जो है सारे मेंबर से डील करता। लेकिन अब जब वो उससे अलग हो जाएगा तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा, किस प्रकार से वो डील करेंगे, ठीक है, तो वो इस डील में वो जो है डिफाइन करना जरूरी था। देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन अ सक्सेसफुल ब्रेक्सिट डील फॉर बोथ द ईयू एंड द यूके। बाय स्ट्राइकिंग अ जीरो टैरिफ एंड जीरो कोटा डील, दे विल बी एबल टू सेफगार्ड द ट्रेड ऑफ गुड्स बिटवीन द यूके एंड ईयू, ठीक है। अब अगर अगर ये ट्रेड डील हो जाती है ना, ठीक है, अगर डील फाइनलाइज हो जाती है, पूरी इम्प्लीमेंट हो जाती है, ठीक है, तो बहुत सही रह जाएगा, बहुत सही जो है हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं होता ना, तो फिर बहुत कुछ जो है यहाँ पे दांव पर है ब्रेग्जिट इसके ईयू के लिए भी और देन आपका यूके के लिए भी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप कि अगर ये डील साइन नहीं होती, तो हमें ट्रेड में जो है ना, जो बहुत ज्यादा अनइवननेस हमें देखने को मिलती ट्रेड में, ठीक है, अगर नहीं होता तो, ठीक है, अगर फाइनलाइज नहीं होती तो। और यूके और ईयू के बीच में ऑलरेडी $1 ट्रिलियन का जो ट्रेड है वो है। तो देख लीजिए मतलब आप कितना बड़ा एक अमाउंट, कितना बड़ा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में ट्रेड जो है वो आपका दांव पर हो जाता, ठीक है। तो व्हाट इज द ब्रेक्सिट डील एंड व्हाई इज इट नीडेड, ठीक है। तो ब्रेक्सिट डील है क्या और क्यों इसकी जरूरत है, ठीक है। आफ्टर इट फॉर्मली एग्जिटेड द यूरोपियन यूनियन ऑन January 31 दिस ईयर, द यूके एंटर्ड अ 11th मंथ ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। तो 11th मंथ का ट्रांजिशन पीरियड था, कब तक आपका, 31st दिसंबर तक, ठीक है, जिसमें जो है ये डिसाइड करना था, क्योंकि आपको एक डील फाइनलाइज करनी थी और ये डिसाइड करना था कि किस प्रकार से जो आपकी डीलिंग है ईयू की यूके के साथ वो होगी, ठीक है। दिस वॉज वेन द कंट्री बिगेन नेगोशिएटिंग अ डील विद द ब्लॉक टू डिटरमिन की एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। तो की एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप इनको जो है डिफाइन करने की कोशिश की जाएगी, देन जिसमें आपका ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन, ठीक। However, talks stretched on as both sides were unable to agree on major points, ठीक है। तो आपकी जो बातचीत है इतनी लंबी इसी वजह से गई, ठीक है, यह जो आपका प्रोसेस है पूरा ये इतना लंबा इसी वजह से हुआ, क्योंकि दोनों साइड जो है वो आपका कोई भी डील को ब्रेक करने में, कोई भी सेंटर कंक्लूजन में पहुंचने पे अनेबल थे, ठीक है। चाहे इसमें आपके फिशिंग राइट्स हो, गवर्नेंस हो, या फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड गारंटी करने की बात हो, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो सारे पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन बने हुए थे इस डील को ब्रेक करने में। A level playing field essentially means that in order to trade with the EU single market, the UK will have to follow the same rules and regulations to ensure that it does not have an unfair advantage over the EU businesses.
ठीक है, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस वजह से चाहिए थी, ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए कि ईयू को लीव करने के बाद यूके के पास कोई स्पेशल एडवांटेज ना रहे, ठीक है, कोई ऐसी एडवांटेज ना रहे जिसको वो अपने फेवर में इस्तेमाल करे, ठीक है, और जो ईयू के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाए। बट विद और विदाउट अ ब्रेग्जिट डील द यूके विल बी एग्जिटिंग द यूएस ईयू सिंगल मार्केट, ठीक है। तो अब डील होती चाहे ना होती, ये जरूर कंफर्म था कि जो है ईयू को जो है लीव कर दिया यूके ने, 31 दिसंबर को ये ट्रांजिशन पीरियड है वो भी खत्म हो जाता, ठीक है। द डील इज ऑल्सो लाइकली टू ले डाउन रूल्स ऑफ गवर्नेंस विच विल डिक्टेट हाउ एनी डील इज एनफोर्स एज वेल पेनल्टीज दैट विल बी इम्पोज्ड, ठीक है। तो इसमें आपके गवर्नेंस के भी रूल्स जो है स्पेसिफाई होंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है सारे सारे लॉस को एनफोर्स किया जाएगा, किस प्रकार से जो है पेनल्टीज इम्पोज की जाएंगी, ठीक है। तो अगर कोई वॉयलेशन में इसके पाया जाता है तो, ठीक है, तो ये सब जो है इसमें मिलेगा आपको। द यूके विल ऑल्सो हैव टू एग्री ऑन हाउ इट विल कोऑपरेट विद द ब्लॉक ऑन इश्यूज पर्टेनिंग टू सिक्योरिटी एंड लॉ, ठीक है। इसमें आपको यूके को ये भी क्लियर करना होगा, इस बात पर भी सहमति जतानी होगी कि सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट को लेकर ये किस तरह से जो है कोऑपरेट करेगा, किस प्रकार से डील करेगा इस ब्लॉक के साथ। कौन सा ब्लॉक? ब्लॉक आपका ईयू, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और आपके जो तो कुछ बाकी के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो आपके एयरलाइन सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक। बट वो तो फिशिंग की बात करते हैं कि फिशिंग इतनी बड़ी डील क्यों है, ठीक है। वाइल फिशिंग इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑन बोथ साइड ऑफ द इंग्लिश चैनल, ठीक है। अब हम यूके की बात करें चाहे ईयू की बात करें, ठीक है, तो फिशिंग जो है वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट कोई अमाउंट वो नहीं करती, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती, सिर्फ 0.02% ही है दोनों की इकोनॉमी में, चाहे वो यू की इकोनॉमी हो चाहे वो यूके की इकोनॉमी हो। द इशू इज एक्सट्रीमली इमोटिव एंड इट्स पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज फार आउटवेट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बोथ, ठीक है। तो इकोनॉमिक अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी पोलिटिकल एक बिल होती है ना, जो एक लो एक चीज के बारे में, वो पोलिटिकल बिल जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट को आउटवेट कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वाले सेक्टर में हमें जो है पोलिटिकल विल की वजह से ही, पोलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से ही जो है इतनी इम्पोर्टेंस जो है हमें फिशिंग को लेकर मिल रही है इस डील में, ठीक है। फॉर द ईयू एक्सेस फॉर इट्स बोट्स इज एन इम्पोर्टेंट प्री कंडीशन फॉर ट्रेड एग्रीमेंट, वाइल इन रिटेन द ब्रेक्सिट सियर लीडर्स पेडल इट एज अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी दैट नीडेड टू बी रीगेन, ठीक है। तो ईयू क्या चाहता है? ईयू चाहता है कि जो बोट्स है उसकी बोट्स को एक्सेस मिले, ठीक है, कहाँ का? आपका डेफिनेटली ये होगा आपका यूके के टेरिटोरियल बोटर्स का, ठीक है, ताकि वहां पर फिशिंग की जा सके, ठीक है। ये ट्रेड एग्रीमेंट का काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट प्री कंडीशन जो है ईयू के लिए ये है कि उसको उसकी बोट्स को जो है एक्सेस दिया जाए, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में जितने भी आपके ब्रेग्जिट के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि ये जो है ये जो है एक यूके के लिए एक सॉवरेनिटी का सिंबल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको जो है यूके को फिर से रीगेन करना चाहिए। इवन दो ब्रिटेन फॉर्मली लेफ्ट द ईयू ऑन January 31, 2020, द कंट्री स्टिल हैज टू एडजस्ट टू द ईयू रूल्स, ठीक है। अब आपको पता है कि 31 जनवरी को जो है यूके ने ईयू को लीव कर दिया, लेकिन फिर भी अभी कम से कम अभी कुछ कुछ समय तक ईयू के रूल्स के साथ जो है टिके रहना पड़ेगा ब्रिटेन को, ठीक है, यूके को, अंटिल द एंड ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 11 महीने का ये आपका क्या है ट्रांजिशन पीरियड, 31 दिसंबर तक, तो मतलब 1 जनवरी 2021 आपके कितने दिन रह गए? आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपके आज 26 दिसंबर है, ठीक है, तो मतलब और 5 दिन का समय है, 5 दिन के समय के बाद 1 जनवरी को जो है आपका यूके जो है वो अपने ही प्रिंसिपल्स पर अपने ही रूल्स पर जो है इंडिपेंडेंटली अपनी डीलिंग करेगा। सो टिल देन द फिशिंग फ्लीट्स ऑफ एवरी कंट्री इन वर्ल्ड हैव फुल एक्सेस टू ईच अदर्स वाटर, ठीक है। तो जब तक जो है जब तक तो पूरी पूरी एक्सेस है ईयू की बोट्स को भी और यूके की बोट्स को भी कि वो टेरिटोरियल किसी के भी टेरिटोरियल वाटर्स पर जाकर जो है फिशिंग कर सकता है या एक्सप्लोरेशन कर सकता है, ठीक है। आपको पता है टेरिटोरियल वाटर्स आपके कहाँ तक होते हैं? 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स। अगर हम किलोमीटर में देखें तो आपको होता है 22 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम द कोस्ट। बट द वॉल्यूम ऑफ फिश डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज आर टू बी क्लेम बाई ईच कंट्री एज पर अ कॉम्प्लेक्स नेशनल क्वार्टर डिजाइन दैट हैज बीन फॉर्मुलेटेड यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है। लेकिन जो आपकी वॉल्यूम फिश है वो आपको पता है वो आपका एक क्वार्टर डिजाइन है, उसके बेसिस पर डिटरमाइन किया जाएगा। द ब्रिटिश फिशिंग इंडस्ट्री हैज मेंटेन दैट इट गॉट अ रॉ डील इन दिस क्वार्टर डिस्ट्रीब्यूशन,
That is why the UK government wants to increase the British quota share significantly, even as EU negotiators have been pushing Britain to continue to allow their fishing crews to have access to its waters. ठीक है, तो अब आपको पता है कि ब्रिटेन का ये कहना है कि क्वोटा डिस्ट्रीब्यूशन में जो है उसको काफी अच्छी डील मिली है, ठीक है, जिसकी वजह से ही जो है यूके गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसका जो ब्रिटिश का जो कोटा है, ठीक है, इसमें फिशिंग में वो बढ़ाया जाए, ठीक है, और यूके नेगोशिएटर ये चाहते हैं कि जो ईयू की बोर्ड से उनको एक्सेस दिया जाए। द ईयू मीन वेल वॉन्ट्स टू डिवाइड द अमाउंट ऑफ फिश दैट ईच कंट्रीज बोर्ड आर अलाउड टू कैच इन अ वे दैट विल नॉट बी रिनेगोशिएटेड एवरी ईयर, ठीक है, और ईयू ये चाहता है कि जितने भी अमाउंट जो भी वॉल्यूम ऑफ फिश है ना, कि मतलब कितनी फिश आप लोग पकड़ सकते हैं उसको जो है डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है, और हर साल ये जो है नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब पॉलिटिकल ट्रिगर क्या है, मैं आपको बता रहा कि फिशिंग ये जो है आपका एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपका पॉलिटिकल विल हमें जो है देखने को मिल रहा है, इतना इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका इतना नहीं है, ठीक है। तो बताएंगे कि पॉलिटिकल ट्रिगर क्या है, तो ड्यूरिंग द 2016 ब्रेक्सिट रेफरेंडम कैंपेन बोरिस जॉनसन वाज अमंग द फैक्शन ऑफ कंजर्वेटिव लीडर्स हु हैड प्लेज्ड दैट इफ ब्रिटेन वर टू लीव द ईयू दे वुड गेट बैक कंट्रोल ओवर द नेशनल वाटर, ठीक है। तो जब आपके 2016 में जब आपके ये आपके बोरिस जॉनसन जो थे आपके ये आपके उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, ठीक है, उस वक्त आपके ये कैंपेनिंग में हिस्सा ले रहे थे, तो उस वक्त इनका कहना था कि अगर जो है यूके जो है ईयू को लीव करता है तो कहीं ना कहीं उसको अपने नेशनल वाटर्स का जो वो जो कंट्रोल है, ठीक है, जो सॉवरेनिटी वहां पर है उसको फिर से रीगेन करने की जरूरत है, उसको रीगेन करना चाहिए। और आपको बताया अब आपके बोरिस जॉनसन जो है अब वो कैंपेनिंग का हिस्सा नहीं है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर ही बन चुके हैं, ठीक है, अब तो सारी पावर्स ही उन्हीं के हाथ में है, ठीक है। तो दिस इज वाई ब्रिटेन फील्स ऑब्लिगेटेड टू मेक एन अनएम्बिगियस असर्शन दैट एनी न्यू अग्रीमेंट ऑन फिशरीज हैज टू बी बेस्ड ऑन द अफर्मेशन ऑफ ब्रिटिश फिशिंग ग्राउंड बींग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर ब्रिटिश बोट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपके वो टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं वो आपके सबसे पहले किसके लिए होंगे, वो होंगे आपकी ब्रिटिश बोट्स के लिए, ठीक है, ईयू की बोट्स के लिए वहां पर इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, सबसे ज्यादा वो आपके ब्रिटिश बोट्स के लिए आपको खुले रहेंगे, ठीक है, वहां पर जो है सॉवरेनिटी जो है आपकी ब्रिटेन की हो जाएगी, यूके की हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू अ फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट द इश्यू ऑफ कंट्रोल ओवर फिशिंग जुरिसडिक्शन इज रेजोनेंट इन फ्रांस एज वेल स्पेशली गिवन दैट प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन फेसेस एन इलेक्शन 2022 फ्रेंच फ्लीट इन पर्टिकुलर डिपेंड ऑन फिश कॉट इन ब्रिटिश वाटर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फिशरीज वाला जो इश्यू है ये आपका फ्रांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो फ्रेंच फ्लीट्स हैं वो फिश के लिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश वाटर्स पर ही डिपेंड रहती है ज्यादा से ज्यादा। आपको पता है कि इमैनुअल मैक्रोन को तो इलेक्शन भी फेस करना है 2022 में, ठीक है। तो वेयर डज द डील स्टैंड नाउ, तो अब डील कहाँ पर है, ठीक है, आफ्टर मंथ्स ऑफ ऑर्डरस नेगोशिएशन यूके पीएम बोरिस जॉनसन इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द फाइनल ब्रेक्सिट डील, ठीक है। तो मैं उम्मीद है कि ब्रेक्सिट डील जो है वो आपकी अब फाइनली डिक्लेयर कर दी जाएगी ऑफिशियली, ब्रसेल्स आर बिलीव टू बी फाइनलाइजिंग द डिटेल्स ऑफ द डील, ठीक है। तो ऑफिशियल्स जो आपके ब्रसेल्स में जो आपका ईयू का हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, तो वहां से जो है हमें उम्मीद है कि वो जो है डिटेल्स जो है डील की उसको फाइनलाइजिंग कर रहे होंगे उसकी, ठीक है, जो आपकी बेंच 1 जनवरी से आपके फोर्स में आ जाएगी, क्योंकि आपका ट्रांजिशन पीरियड जो आपका 31 दिसंबर को एंड हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द टू साइड्स हैव एग्रीड टू अ लार्जली टैरिफ एंड कोटा फ्री ट्रेड अरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर हम रिपोर्ट की माने तो सोर्सेज की माने तो ऐसा है कि दोनों साइड से जो है एक टैरिफ फ्री और कोटा फ्री ट्रेड अरेंजमेंट पर जो है अपनी एक कंक्लूजन निकाला है, जो डील है वो फाइनलाइज की है, ठीक है। ब्रेग्जिट वर्क वुड कंटिन्यू थ्रू आउट द नाइट ग्रैबिंग सम स्वीट शेप्स इज रिकमेंडेड टू ऑल ब्रेग्जिट वॉचर्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये तो मतलब एक स्टेटमेंट है कि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट इवन इफ अ डील इज रीच्ड एंड इट गेट्स सपोर्ट फ्रॉम ऑल 27 ईयू लीडर्स इन द यूरोपियन काउंसिल इट इट विल स्टिल हैव टू बी रेटिफाइड बिफोर द ट्रांजिशन एंड्स, ठीक है। तो बेशक डील आपकी फाइनलाइज हो जाए, ठीक है, पूरी हो जाए, ठीक है, लेकिन उसको कम से कम आपको फिर रेटिफाई करना पड़ेगा यूरोपियन काउंसिल में, ठीक है, ठीक है, ये आपकी फिर काउंसिल में तो रेटिफाई आपका यूरोपियन काउंसिल में नहीं आपका वहां पर करना पड़ेगा यूके में, ठीक है। तो आपको पता है कि यूके में आपके एमपी सभी स्टैंड बाय पर है, तो कहीं ना कहीं फिर उनको जो है पार्लियामेंट में बुला लिया जाएगा। द एग्रीमेंट विल देन हैव टू बी रेटिफाइड ऑन द ईयू साइड, फिर उसको कहाँ पर रेटिफाई किया जाएगा, फिर उसको किया जाएगा ईयू साइड पर रेटिफाई, ठीक है, और वहां पर आपके महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं, ठीक है, एक एक डील को क्लियर करने में, ठीक है। टू वर्क अराउंड दिस लीडर्स में डिसाइड टू अप्लाई अ डील प्रोविजनली बिफोर द यूरोपियन पार्लियामेंट होल्ड्स अ फॉर्मल रेटिफिकेशन, ठीक है। तो अभी के लिए वो सोचेंगे कि एक प्रोविजनल अरेंजमेंट वो कर दें, ठीक
ठीक है, एक प्रोविजनल अरेंजमेंट वहाँ पर कर दिया जाए, उसके बाद जब ये डील फिर जो आपके लीडर्स हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, वो फिर इसको क्लियर कर दे अपना टाइम लेने के बाद, ठीक है, लेकिन जब तक के लिए जो है प्रोविजनल अरेंजमेंट कर दिया जाए। तो व्हाट इज एट स्टेक, फेलियर टू स्ट्राइक अ डील बिफोर द दिसंबर 31 डेडलाइन वुड रिजल्ट इन अ नो डील ब्रेक्सिट। ठीक है, तो अगर मतलब 31 दिसंबर तक कोई डील फाइनलाइज नहीं हुई तो ब्रेक्सिट जो होगा आपका ये एक नो डील ब्रेक्सिट हो जाएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं इसका असर फिर हमें दोनों दोनों पार्टीज के रिलेशन पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, यूके और ईयू के रिलेशन पे। तो कहीं ना कहीं जो आपका ये वाला क्यूब है ये, ठीक है, इस पे ये वाली डील हमें देखने को मिलेगी, नो डील, ठीक है, ये वाला ब्रेक्जिट हमें देखने को मिलेगा अगर डील फाइनलाइज नहीं हुई अगले 5 दिनों में। तो और नो डील का मतलब क्या होगा, नो डील का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको पता है प्राइसेस कुड गो अप, ठीक है, अगर ट्रेड डील नहीं होगी तो कहीं ना कहीं टैरिफ और रेस्ट्रिक्शंस आपकी होंगी, जिसकी वजह से तो फिर आपके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद हमें है, ठीक है। द ईयू वुड इम्पोज टैक्सेस ऑन गुड्स कमिंग फ्रॉम द यूके, ठीक है, जो ईयू है वो यूके से आने वाले गुड्स पे जो है टैरिफ लगाएगा, उन पे टैक्स लगाएगा, ठीक है, और तो कहीं ना कहीं इसके जो है प्राइस आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और फिर आपका जो यूके है, यूके भी जो है वो आपकी टैरिफ लगाएगा यूके गुड्स पे, ठीक है, तो इसकी वजह से वो आपके महंगे हो जाएंगे, है, बट द प्राइस ऑफ सम थिंग्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुड फॉल बिकॉज ऑफ द टैरिफ आर बीइंग कट, ठीक है, लेकिन आपके जो बाकी दुनिया से जो आपके गुड्स आएंगे उनके प्राइसेस में हमें एक रिडक्शन देखने को मिल सकता है। फूड स्टैंडर्ड फॉर यूके रिपोर्ट कुड ऑल्सो बी ए प्रॉब्लम विदाउट एनी एग्रीमेंट दैट यूके रूल्स आर एक्सेप्टेबल इन द ईयू, प्रोड्यूस बींग सोल्ड बाय द यूके कुड बी स्टॉप एट द बॉर्डर कॉजिंग डिले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ये प्रॉब्लम भी है कि फूड स्टैंडर्ड फॉर यूके एक्सपोर्ट कुड ऑल्सो बी ए प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपकी जो फूड स्टैंडर्ड से प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं, ठीक है, और जो आपके गुड्स जो आपके ट्रैवल किए जो आपके भेजे जाएंगे, ठीक है, उनको बॉर्डर पर रोका जा सकता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर आपको वहाँ पर भी डिले देखने को मिल सकता है। लॉन्ग क्वेस्ट फॉर लॉरीज आर पॉसिबल बिकॉज देर वुड बी मोर बॉर्डर चेक, ठीक है, तो बताया ना कि बॉर्डर पर रोका जा सकता है, ठीक है, वहाँ पर चेकिंग भी की जा सकती है, जिसकी वजह से जो आपका डिले देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट इट इज फियर्ड यू लॉरी ड्राइवर्स माइट वॉन्ट टू अवॉइड द यूके ऑल टूगेदर इफ देर आर लॉन्ग डिले, ठीक है, तो फिर ये भी हो सकता है कि जो आपके यूके लॉरी ड्राइवर्स हैं वो सीधा सीधा यूके को जो है इग्नोर ही कर दे, उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, कि हमें जो है यूके की तरफ नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर लॉन्ग डिलेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट चॉइस ऑफ फूड इफ इज अ डेंजर अकॉर्डिंग टू सम सुपर मार्केट चेन्स हु हैव सेड फ्रेश फूड विल बी पर्टिकुलर अफेक्टेड, दे माइट ट्राई टू फ्लाई रिप्लेसमेंट फ्रॉम एल्सवेयर बट दैट वुड इंक्रीज कॉस्ट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी डिसेप्शन हमें फूड चेन को देखने में मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा भारी अमाउंट में $1 ट्रिलियन में आपका ट्रेड होता है, तो उसमें आपके जो आपका फूड है, ठीक है, उसमें भी वो जो है उसको काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में वो होगा $1 ट्रिलियन में, ठीक है, तो उसमें डिसेप्शन देखने को मिल सकती है, जिसके बाद हमें फ्रेश फूड की कमी हो सकती है। तो अब सबका ये कहना है, सुपर मार्केट जो आपके ओनर्स हैं, जो आपके उनके मैनेजर्स हैं, उनका ये कहना है कि अब वो कहीं और से जरूर, अगर नो डील हुई, नो डील ब्रेक्जिट अगर हुआ, तो वो कहीं और से जो है अपने ऑर्डर्स को प्लेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्यों, लेकिन हमें ऐसी उम्मीद है कि फिर हमें हमारी जो कॉस्ट है, जो पैसे होंगे, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, आपके इस वाले डील को लेकर सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि ये डील है क्या, और अगर कोई डील अगर नहीं होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अचीव आई एस एंड जॉइन अस ऑन।